ट्रेन में बैठी हुई एक छोटी सी बेटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये मायका क्या होता है? अपनी छोटी सी गुड़िया के मुंह से इतना भारी वाला शब्द सुनकर माँ चौंक चुकी थी। उनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन फिर सहजता से बड़ी सरल शब्दों में माँ ने कहा कि बेटा मायका मतलब मम्मी पापा का घर। तो छोटी सी गुड़िया ने कहा, लेकिन आपके पिताजी जो मेरे नाना है वो तो गॉड के पास जा चुके हैं, तो आपका मायका तो मंदिर हुआ ना। उस छोटी सी गुड़िया के बाल सवारते हुए माँ ने कहा, नहीं बेटा, नाना के जाने के बाद वो घर मामा का हो चुका है और वही मेरा मायका है। गुड़िया बोली, मुझे गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मामा के घर आप अपने मायके में बहुत खुश दिखाई देती हो और आपके चेहरे पर अलग ही खुशी होती है, जैसे आप बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। आगे गुड़िया बोली कि आप यहाँ आराम से मेरे साथ उठती हो, मेरे साथ ठंडे पानी में खेलती भी हो, नानी की मदद करने के बाद नानी कभी कभी दोपहर में आपके सिर में तेल डाल के देती है, फिर हम लोग सब घर के जितने भी लोग हैं मिलकर ताश यानी कि पत्ते खेलते हैं और मामा हर दिन एक नए पिक्चर की सीडी लेकर आते हैं, पॉपकॉर्न और जूस के साथ हम वो खाते खाते देखते हैं और रोज रात को गोला खाने जाते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और आप यहाँ बहुत खुश दिखाई देती हो माँ। माँ ने अपनी गुड़िया को गोदी में ले लिया, उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना कुछ समझती है। उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा दादा का घर हो या मामा का, मैं तो हर जगह बहुत खुश रहती हूँ। छोटी सी बेटी ने कहा, नहीं माँ, आप यहाँ अलग से खुश दिखाई पड़ती हो। अगले दिन बेटी ने मामा के घर से अपने पापा को कॉल किया और कहा कि पापा आपको मैं बहुत मिस कर रही हूं, आप भी हमारे साथ कुछ दिन मामा के घर रहने आ जाओ। बहुत सारे फोन कॉल्स के बाद पिता अपने आप को रोक नहीं पाया, अपनी गुड़िया के पास खिंचा चलाया। अब आ तो गए, लेकिन अगले दिन अपनी बीवी से कहा, यार तुम्हारे घर आना और रहना बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा खिलाया तो खाना पड़ता है, सबकी बातें माननी पड़ती है, सबको खुश रखना पड़ता है, और यहाँ जिसे देखो तुम्हारी टीम में है, तुम यहाँ की महारानी हो, मैं तो थक गया। हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये जो बातें हो रही थी उसके बीच ये छोटी सी गुड़िया कूद पड़ी। वो बोली, पापा आप मम्मी के घर एक दिन रहने आए और थक गए, लेकिन मम्मी तो आपके घर सारे दिन रहती है और फिर भी नहीं थकती और कंप्लेन भी नहीं करती। अर्थात हर स्त्री को अपना ऐसा घर मिले जहां उसे मायके जैसा प्यार मिले, थकान को गर्मी की छुट्टियों का इंतजार ना रहे, ये पौधा नई माटी में भी खूब खिले। वैसे तो हर महिला के पास मायका और ससुराल होता है, लेकिन अपना खुद का घर वो कौन सा है? क्योंकि मायका कहता है कि बेटियां तो पराय धन है और ससुराल कहता है कि ये तो पराये घर से आई। दोनों ही घर में उसकी हंसी, उसकी जिद, उसका पागलपन, उसकी आलस, उसकी बदमाशियां जीवित रहे। और हाँ, अगर आपकी पत्नी भी गई है तो गया हुआ तूफान लौट कर आएगा, ज्यादा खुश मत होना।